नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरे जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों को ऊपर बेस करके काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, आज को मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ क्रूड ऑयल का ऊपर बेस करके। तो क्रूड ऑयल का मैं 9 तारीख एंड 10 तारीख दोनों दिन का ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्रूड ऑयल मार्केट, नॉट ओनली फॉर क्रूड ऑयल, अगर आप कोई भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो मेरा कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, शायद आपके लिए कुछ ये बेनिफिट हो सकता है। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर होता क्या है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर का काम होता है बेसिकली मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करना, एंड ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए और कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसा देखिए, मैं जो कॉल सबको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये 9 तारीख शाम को 7 बजे कॉल बना था। तो ये जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, आपका सेल का कॉल है। जब भी कोई सिग्नल आएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और देखिए, राइट साइड में इसका वैल्यू लिख के आ रहा है 3043, इस वैल्यू में सेल करना है। और नीचे T1, T2, T3 बोल के 3 टारगेट लाइन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली देखिए, मार्केट में टारगेट स्टॉप लॉस बोल के ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। ये हम लोग एक सोच होता है, जो मैं कितना टारगेट रखूँ, कहाँ पर निकलूँ, दैट इज माई, या मतलब क्या बोलेंगे, ये हम लोग का एक थिंकिंग है, जो मैं इतना टारगेट रखूँगा या यहाँ पर मुझे निकलना है। अदरवाइज एग्जैक्टली वही टारगेट रखना है, जैसा ऐसा बहुत बंदा सोचता है जो क्रूड ऑयल में 10 पॉइंट टारगेट होना चाहिए। तो नॉट लाइक दैट, 10 पॉइंट ही क्यों, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 50 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, और 10 नहीं भी जा सकता है। तो एंट्री एंड एग्जिट वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब ये देखिए, 3043 में जो सेल का कॉल बना था 7 बजे, तो ये कितना जेन्युइन था, ये मुझे पहले समझना है। तो मेरा यहाँ पर दो तीन कंडीशन होता है जो मैं फॉलो करता हूँ सेल का कॉल में। देखिए नीचे में आपको एक रिबन दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रेड है, जो पहले ग्रीन था। तो सेल का कॉल में नीचे का रिबन का कलर रेड हो जाना चाहिए, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा अभी रेड कलर का, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सेकंड कंडीशन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन में मैं नीचे का इस लाइन का बारे में बात करता हूँ। नीचे का देखिए, ये लाइन इंडिकेटर जिसका कलर देखिए, एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है, फिर रेड हो रहा है। तो चाहे कलर कुछ भी हो, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिडिल का वाइट लाइन। आपको मिडिल में एक वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और जहाँ से लाइन है, वाइट लाइन को तोड़ के नीचे आने लगा, मतलब वहीं से स्ट्रांगली सेलिंग जोन में घुस गए। तो देखिए, जिस टाइम ये सेल का कॉल बना था, सपोज ये 9 तारीख को शाम को 7 बजे सेल का कॉल बना था, उस टाइम मुझे सारा का सारा कंडीशन दिखाई दे रहा था, परफेक्ट था। स्टार था, नीचे का रिबॉन का कलर रेड था, और एग्जैक्टली उसी टाइम नीचे का लाइन रेड भी था और न्यूट्रल को ब्रेक भी कर रहा था। तो दैट इज़ ए परफेक्ट लोकेशन जहाँ पर आप ट्रेड लगा सकते थे। और उसके बाद आपको अपना रिजल्ट भी दिखा दिया, और ये लगभग 70 से 80 पॉइंट मार्केट गिराया था। तो इसके अंदर आप कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो वहीं पर ही 10 पॉइंट लेके निकलना है। अदरवाइज अगर आप वेट करना चाहते हैं, तो नीचे का देखिए जो लाइन है, यहाँ से ग्रीन होना शुरू किया। तो ग्रीन होने का मतलब है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है थोड़ा बहुत बायर्स बढ़ रहा है, आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेट करते हैं, तो जब ये लाइन, नीचे का लाइन का बात कर रहा हूँ, जब ये लाइन न्यूट्रल को तोड़ देगा, तब आपका हाथ में और कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको निकलना ही है। तो इस टाइम मार्केट का वैल्यू था 3004, मतलब इस वैल्यू में आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो सोचा, अब एग्जिट कर लिए 9 तारीख को, और 10 तारीख यहाँ पर मार्केट खत्म हो गया 9 तारीख, और 10 तारीख मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ। और उसका बाद थोड़ा देर बाद मुझे दिखाई दे रहा है ये जो नीचे का लाइन है, फिर से न्यूट्रल को ब्रेक किया। तो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्डिंग केस में क्या होता है, नेक्स्ट फिर से कोई बाय का या सेल का सॉफ्टवेयर कोई नया कॉल नहीं देता है, क्योंकि एक बार सेल का कॉल चल रहा है, इसका मतलब है उसका हिसाब से सेल का कॉल कंटिन्यू कर रहा है। सॉफ्टवेयर को पता नहीं होता है कल क्या है, आज क्या है, वो सेल का कॉल को ही कंटिन्यू कर रहा है। आप जैसे ही नीचे का लाइन न्यूट्रल को ब्रेक किया, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। देखिए, इस टाइम मार्केट का वैल्यू था ऊपर में 2956, सपोज आप 2956 में एंट्री ले लिए, और उसके बाद आपको नीचे का लाइन को फॉलो करना है, कब वो न्यूट्रल को ब्रेक करे। तो एग्जैक्टली देखिए, इस कैंडल में या फिर एक कैंडल बाद, आप इस कैंडल में भी बोल सकते हैं, ये लाइन फिर से न्यूट्रल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर फिर से आपको पोजिशन को छोड़ देना है, जब इसका वैल्यू चल रहा था 2931। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बिना कोई सिग्नल का अब नियर अबाउट 20 पॉइंट निकाल लिए। तो लॉजिक को थोड़ा समझना है, ऐसा नहीं जो सॉफ्टवेयर सिग्नल देगा तो ही मैं ब्लाइंडली काम करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, नॉट लाइक दैट।
तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे लाइन ऊपर चला गया, मतलब इसका बाद मुझे पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड चला गया है। एक कल को सुबह सुबह नहीं बोलेंगे, दोपहर 12 बजे का बाद ये लाइन ऊपर चला गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बाय का कॉल बना, तो बाय का कॉल में मुझे दिखाई दे रहा है नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है, लाइन भी न्यूट्रल के ऊपर है, मगर इसमें कोई स्टार नहीं था, इसका पहले कोई स्टार नहीं था। स्टार नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर अभी तक मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ स्टार के लिए। तो देखते देखते मार्केट गिरा दिया और ये फिर से आपका सेल का कॉल दे दिया 2:30 पे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे जो यहाँ पर क्या स्टार आएगा, यहाँ पर और स्टार नहीं आएगा क्योंकि मेरा पहले से ऑलरेडी रेड स्टार कंटिन्यू है। मैं जस्ट वेट करूँगा कब ये न्यूट्रल लाइन का नीचे आए तब मैं जाके ट्रेड करूँ। तो देखिए न्यूट्रल लाइन का नीचे ये लाइन लगभग आया नहीं, इतना नीचे तक आया था मगर न्यूट्रल को ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर भी अपना ट्रेड नहीं लगाया और उसका रिजल्ट मुझे थोड़ी देर में दिखाई दिया, मार्केट रिवर्स हो गया। तो बोलने का मतलब है मार्केट में ऐसा बहुत सारा कॉल बनता है जब हम लोग को लगता है मार्केट अच्छा रिजल्ट देने वाला है मगर वो रिजल्ट अल्टीमेट दे नहीं पाता है। तो लॉजिक इज द इम्पोर्टेंट, अगर आप नीचे का इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है न्यूट्रल का करीब आया था मगर न्यूट्रल को ब्रेक नहीं किया, अल्टीमेट मार्केट में बाय का कॉल बना और ये आपको एक लंबा रिटर्न दे के चला गया। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और अल्टीमेट देखिए आप नीचे का लाइन को फॉलो करते रहिए, कभी न्यूट्रल को ब्रेक किया, जैसे इस कैंडल में मुझे दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल को ब्रेक कर दिया 10:20 पे। मतलब अब ये जो बाय का कॉल है आपको यहाँ पर पोजिशन को छोड़ देना चाहिए भले ही मार्केट कोई कुछ भी हो। तो उसके बाद थोड़ा मार्केट उठ गया था मगर मैं 10 बजे का 10:20 का कैंडल में पोजीशन को छोड़ दूंगा। तो ये लॉजिक है, चाहे आप कोई भी सेगमेंट में काम करें इस थ्योरी को फॉलो करना है, देखिए आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है उसके बाद ही आप बोलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो ऑब्वियसली सर आप भी कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है और मुझसे कांटेक्ट करना है तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।